अनुभव और भावनाओं के बिना लेखन कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर माध्यम कविता ही है। इस संसार की तमाम खूबसूरती, तमाम सुंदरता मैं मानती हूँ कि औरतों में होती हैं, इसलिए उन्हीं पर एक कविता लिखी है। शीर्षक है बेशर्म औरतें। औरतें यदि कर सकती हैं सहज प्रेम, औरतें यदि कर सकती हैं सहज प्रेम, तो कर सकती हैं द्वेष भी। परंपराओं में जो लड़की है ढली, वो ही तुम्हें लगती है यदि भली, तो सुनो, हो सकती हैं बेशर्म औरतें भी। वो औरत दुपट्टे के छोर को मरोड़ते हुए जब सजाने लगती है एक सुंदर संसार, तो फिक्र, ख्याल, जज्बात तो उनके लिए सामान्य हो जाते हैं। वो ढूंढते हैं सिर्फ शरीर और भावनाओं से खेलने लगते हैं। क्या तुम्हारे जहान में सिर्फ यही ख्याल पलते हैं? चंद लोग हैं जो उसके आने से रास्ते रोशन समझते हैं, और वो भी हैं जो अंधेरे को भी कालिक से रंगने लगते हैं। इन सब से इतर सबसे सुंदर हैं हरी घास और उस पर लेटी बेपरवाह औरतें। वो औरतें जो निहारती हैं आसमान, जो उठाती हैं जमी से चंपा के फूल, जो पहनती हैं झुमके, जो बिखेरती हैं जुल्फें, जो मिलती हैं गले सब कुछ समझ जाने पर, जो करती हैं निश्चल प्रेम, ये औरतें वही हैं जो अपने दुपट्टे की सिलवटों से भी निकाल सकती है कई सारे अर्थ, जो सजा रही है खुद को, जो सजा रही है खुद को सिर्फ खुद के लिए। ख्याल रखने वाली, स्नेह से भरी, कोमलता से भरपूर, हर हाल में चुप रहने वाली, जुल्म सहने वाली, इन सब से विपरीत ये हैं बेशर्म, बदतमीज, बेपरवाह औरतें। शुक्रिया।